Welcome to Ken Vimalsa. This is our seventh video on environment. We have already uploaded six videos specifically for prelims 2023. You can go and watch, you can subscribe to the channel. And in every video we have posted some questions also, one or two question, prelims related question on the same topic. So you can comment your answer in the comment box below. For other information, you can email us at info@gyanmimansa.com. We will be replying on it, and also we will be putting the link to our Telegram channel in the description box below. So today in environment, we will be talking about two topics. First is global environment facility, very important one. And then a new concept of environmental, social and governance. Although the concept came in 2006, but it is getting popular recently. So let's start with global environment facility. Global environment facility hai kya? ये एक मल्टीलेटरल फाइनेंस मैकेनिज्म है, फाइनेंस का मैकेनिज्म है, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैकेनिज्म है. फाइनेंशियल मैकेनिज्म है तो करता क्या, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, ग्रांट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को दो चीज़ों के लिए मोस्टली. द थिंग फॉर द प्रोजेक्ट विच विल बी बेनिफिटिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड द प्रोजेक्ट विल बी विच विल प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो GEF is a multilateral financial mechanism which provides grant to developing countries for projects that will benefit the global environment and which will promote sustainable livelihood in local communities. Important part. It was established during the Rio Earth Summit of 1992. Very important summit that was held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में वीडियो I'll upload soon. और जो GEF है इसका हेडक्वार्टर इट इज बेस्ड इन वॉशिंगटन DC. द GEF इज मैनेज्ड बाई थ्री एजेंसीज, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, द वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. तो तीनों एजेंसीज मिलके जो वर्ल्ड सॉरी ग्लोबल एनवायरमेंटल फंड है इसको जो है मैनेज करती है एनवायरमेंटल फैसिलिटी. तो वाट आर द फोकस एरियाज ऑफ दिस फैसिलिटी, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर्स, ओजोन डिप्लीशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड POPs, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. इन सब के लिए देर आर डिफरेंट कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हैं. फर्स्ट इज CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर के लिए UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, ओजोन डिप्लीशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लैंड डिग्रेडेशन के लिए UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, एंड लास्ट इज POP इसके लिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. ऑलरेडी दिस सिक्स मैकेनिज्म्स हैं और इनके लिए और इनको इन फोकस एरियाज पे फंडिंग के लिए GEF इज देयर. GEF के थ्रू बेसिकली कौन कौन से फाइनेंशियल मैकेनिज्म हैं, किस किस एजेंसीज को फाइनेंस करते हैं. फर्स्ट इज UNCBD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. ठीक है, तो अगर बात करें तो इसमें से एक, दो, तीन और चार, इन चारों को डायरेक्टली फाइनेंस करता है और फिफ्थ है इसमें मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी. ठीक है, इन पांच कन्वेंशंस को के लिए डायरेक्टली ये एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म वर्क करता है. इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड नॉट इवन डायरेक्टली बट समथिंग सम फैसिलिटीज टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सपोर्ट करता है कंट्रीज को फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ दीज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर ओजोन लेयर. सो नेक्स्ट इज ओजोन. तो पांच चीज़ों में ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरफेयर करता है या हेल्प करता है कंट्रीज को टू फॉर एनवायरमेंट चेंज, फॉर कंजर्विंग एनवायरमेंट एंड फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड. ठीक है, तो पांच कन्वेंशन है इनको डायरेक्टली और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इनडायरेक्टली इट सपोर्ट्स. देर इज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग GEF. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रियो अर्थ समिट ऑफ 1992. इट इज द ओनली मल्टीलेटरल फंड वर्किंग अक्रॉस आस्पेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी. It also supports implementation of Montreal Protocol on ODS, ozone depleting substances. Which of the above statements is are correct? Please answer in the comment box. Moving ahead to the next topic, that is environmental, social and governance. What is it? It is an innovation or it is an appeal kind of thing, which was done by United Nations Principle for Responsible Investment.
तो UNPRI जो है यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट है, इसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स से अपील की थी कि वेन एवर दे आर इन्वेस्टिंग और मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो ESG फैक्टर्स को एक बार जरूर कंसीडर करें। व्हाट आर ESG फैक्टर्स? ESG फैक्टर्स आर, इट मीन्स यूजिंग इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स टू इवेल्युएट कंपनीज एंड कंट्रीज ऑन हाउ फार एडवांस दे आर विद सस्टेनेबिलिटी। तो कंपनीज को और कंट्रीज को इवेल्युएट करते हैं थ्री पैरामीटर्स के ऊपर, इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स के ऊपर, सोशल पैरामीटर के ऊपर, गवर्नेंस फैक्टर्स के ऊपर, किस किस चीज़ के लिए? सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो हाउ द कंपनीज आर वर्किंग और कंट्रीज आर वर्किंग फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी। ये क्या करते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर कंपनीज दैट फोर्स कंपनीज टू फॉलो बेटर गवर्नेंस, एथिकल प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटर गवर्नेंस, एथिकल प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चार चीज़ों पे फोकस करते हैं। एथिकल प्रैक्टिसेस देखिए तीनों चीज़ों में आ भी जाती है, तो बेसिकली इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस इन तीन चीज़ों पर फोकस करते हैं। इट इज़ इन्वेस्टिंग इज यूज सिनोनिमसली विद सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग। तो ESG इन्वेस्टिंग को हम सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग या सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग भी कह सकते हैं। फॉर इफ वी आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनीज विच आर ESG दैट इज हैविंग इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर, तो वी विल द इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट और सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया कौन कौन से है? हाउ ए कंपनी परफॉर्म्स एज अ स्टीवर्ड ऑफ नेचर, नेचर के लिए कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। सोशल क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हाउ देर मैनेज देर रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड द कम्युनिटीज वेयर इट ऑपरेट्स। तो नॉट ओनली द डायरेक्टली इम्पैक्टिंग पीपल, जैसे एम्प्लॉयज हो गए, सप्लायर हो गए, कस्टमर हो गए, बट ऑल द कम्युनिटी वेयर दे आर ऑपरेटिंग, उनसे उनका रिलेशन कैसा है। गवर्नेंस डील विद गवर्नेंस फैक्टर्स है दैट विल डील्स विद कंपनी की लीडरशिप कैसी है, एग्जीक्यूटिव की पे कैसी है, रेगुलर ऑडिट्स होते हैं या नहीं होते, ऑडिट होते हैं तो उनका जो भी ऑडिट में बताया जाता है उस पर काम किया जाता है नहीं किया जाता, इंटरनल ऑडिट्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं या नहीं होते, या फिर शेयर होल्डर के राइट कितने अच्छे हैं। सो दिस इज द क्राइ दीज आर द क्राइटेरिया जिनके बेस पे गवर्नेंस को वो इवेल्युएट करते हैं। तो इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया, सोशल क्राइटेरिया, गवर्नेंस क्राइटेरिया है इसके अंदर। तो ESG फंड है इसके लिए, ESG फंड इसके लिए नहीं, सॉरी, ESG फंड्स आर फंड्स काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। व्हाट इज एन ESG फंड? ESG फंड इज अ म्यूचुअल फंड। इट इज इन्वेस्टिंग, जो हमने बात करी थी सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग की या रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग की, तो ESG फंड में इन्वेस्टमेंट को हम सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड इन्वेस्टिंग भी कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो ESG फंड्स उन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करते हैं जो करते हैं स्कोर हाई ऑन इन्वायरमेंट, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिन चीज़ों की हमने ऊपर बात की थी, दीज फैक्टर्स। जिनका इनमें अच्छा स्कोर होता है उसको ESG फंड बोला जाता है। एंड ESG फंड और दूसरे फंड में डिफरेंस क्या? प्लैनेट हेल्थ कॉन्शियस का, ठीक है। दैट मीन्स ESG फंड जितने भी होंगे जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे दे आर मोर प्लैनेट हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है। एंड अगेन द फोर फैक्टर्स, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉय फ्रेंडली रिकॉर्ड्स, सोशल एंड इन्वायरमेंटल एंड गवर्नेंस बेस्ड, ठीक है। इंडिया के अंदर जो ESG फंड्स को रेगुलेट कौन करता है? सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो टुडेज क्वेश्चन नंबर टू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ESG। यूएन प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू प्रमोट द एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ESG। दीज आर मैंडेटरी गाइडलाइंस फॉर कंपनीज टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेट द इन्वायरमेंट फ्रेंडली टैग। इन इंडिया द ESG फंड इज रेगुलेटेड बाई RBI। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट? प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू वेरी मच।